Subscribe Gear Infotech and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल गियर इन्फोटेक पे। आज का हमारा कंटेंट कंपैरिजन पे होगा, यानी कि हम दो स्कूटीज का कंपैरिजन कराएंगे, द सुजुकी बर्गमैन एंड द यामाहा रे ZR स्ट्रीट रैली। तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको ORVMs मिलते हैं, साथ ही थोड़ा नीचे आपको यहाँ पे विंडशील्ड देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको नंबर प्लेट की कुछ जगह एंड उसी के थोड़ा नीचे आपको सुजुकी का लोगो एंड हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही दोनों ही तरफ एक स्टाइलिश से साइड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। तो टायर का साइज आपकी स्क्रीन पर है एंड यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रही है विद अ कैलिपर ओवर हियर एंड अ रिफ्लेक्टर ओवर हियर एंड यहाँ पे आपका एलॉय का सेटअप है। तो बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल में बर्गमैन को काफ़ी बल्की बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बल्की लुक दे रही है साइड प्रोफाइल से ये। इस साइड आपको नीचे की तरफ बर्गमैन स्ट्रीट की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, साथ ही यहाँ पे आपका रेयर फुटरेस्ट है एंड यहाँ पे आपकी किक है एंड नीचे की तरफ आपका डबल स्टैंड है। तो यहाँ पे आपको 4-स्ट्रोक 1-सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 8.7 PS की पावर जनरेट करता है 6750 RPM पे एंड 10 NM का टॉर्क जनरेट करता है 5500 RPM पे। तो यहाँ पे रियर प्रोफाइल में आप टेल लैम्प की डिज़ाइन को देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत से इसको डिज़ाइन किया गया है एंड यहाँ पे आपके साइड टर्न इंडिकेटर्स हैं। नीचे की तरफ आपका सुजुकी की ब्रांडिंग है, साथ ही यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की कुछ जगह है एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे बर्गमैन के इग्निशन पे बर्गमैन कुछ इस तरह से दिखती है। तो यहाँ पे सेंटर में आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिलती है, साथ ही लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे हेडलाइट लेबलिंग के लिए एंड उसी के जस्ट नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स एंड उसी के नीचे आपको हॉर्न का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपका ब्रेक लीवर है इस साइड पे, यहाँ पे आपका इंजन किल का ऑप्शन है एंड यहीं से आप अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड इस साइड भी आपका ब्रेक लीवर है। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में की पोर्ट मिलता है कुछ इस तरह का, यहीं से आप अपनी की पोर्ट को शट कर सकते हैं। पॉकेट स्टोरेज मिलता है एंड इस साइड आपको एक हुक मिलता है कोई सामान कैरी करने के लिए। इस तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप बर्गमैन का टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की भी फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे आपको SCP की ब्रांडिंग मिलती है एंड यहाँ पे आप इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप देख सकते हैं, काफ़ी बल्की डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ बर्गमैन के बूट स्पेस के बारे में। यहाँ पे आपको 21.5 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, साथ ही 5.1 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। तो यहाँ पे मैं बर्गमैन के सीटिंग कम्फर्ट के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा सीटिंग कम्फर्ट है एंड इसका हैंडल बार भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूटीज़, जिसका हैंडल बार काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे नी रूम मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी अच्छा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यामाहा रे ZR से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा कम लगा मुझे।
यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ओआरवीएम्स मिलते हैं जो कि काफ़ी स्टाइलिशली डिज़ाइंड है, स्कूटी को काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। एंड हैंडल्स के ऊपर आपको क्लैडिंग मिलती है जो कि विंड ब्लास्ट को रोकती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पर वाई का लोगो मिलता है, दैट स्टैंड्स फॉर यामाहा, एंड ये ब्लिंक होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपका DRL है। इस साइड आपकी यहाँ पर ब्लू कोर की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपका हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है। तो बात कर लेते हैं यामाहा RZR के साइड प्रोफाइल के बारे में। एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको इस तरफ यामाहा की लोगो मिलती है, साथ ही यहाँ पर आपको SR की ब्रांडिंग मिलती है, विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रीट रैली, एंड काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इसको। इस साइड आपको यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग मिलती है, साथ ही कुछ ग्राफिक मिलते हैं। यहाँ पर आपका ग्रे कलर में है, यहाँ पर आपको यामाहा की ब्रांडिंग है। इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग सीट मिल रही है, साथ ही यहाँ पर RZR की ब्रांडिंग है, स्ट्रीट रैली 125 की जस्ट नीचे उसकी ब्रांडिंग मिलती है आपको। तो यहाँ पर आपको 125cc का इंजन मिलता है, एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन है जो कि 8.2 PS की पावर जनरेट करता है 6500 RPM पे, एंड 9.7 NM का टॉर्क जनरेट करता है 5000 RPM पे। एंड साथ ही यहाँ पर आपको साइड स्टेपर मिलता है फॉर रेयर पैसेंजर्स, एंड साइड स्टैंड हेयर एंड डबल स्टैंड ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको टेल लैम्प का सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बाइक से लुक देती है यहाँ पर। एंड साथ ही यहाँ पर नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, एंड साथ ही यहाँ पे दोनों ही साइड आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर्स, एंड उसी के थोड़ा नीचे आपको यहाँ पर नंबर प्लेट की कुछ जगह देखने को मिलती है। तो राइट साइड यहाँ पर एग्जॉस्ट टेल पाइप पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग मिलती है। तो बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल के बारे में। जब हम इसे इग्निशन पे डालते हैं तो स्कूटी कुछ इस तरह से दिखती है, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में आपको इस जगह पे यामाहा की लोगो मिलती है, एंड साथ ही इस साइड आपका ब्लू कोर टेक्नोलॉजी के लिए इंजन किल का ऑप्शन मिलता है जो कि ट्रैफिक कंडीशंस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आपका पावर स्टार्ट बटन है, एंड इस साइड आपका ब्रेक लीवर है। एंड यहाँ पे आपकी हेडलाइट लेबलिंग के लिए हाई या लो बीम, इस साइड आपके इंडिकेटर्स हैं, एंड नीचे की साइड आपका हॉर्न है, इस साइड भी आपका ब्रेक लीवर। तो यहाँ पर राइट साइड आपको की पोर्ट मिलती है जिससे कि आप अपनी सीट को भी ओपन कर सकते हैं। एंड वहीं पर आपको उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर आपको हुक मिलता है, एक यूज़फुल हुक मिलता है, साथ ही दोनों ही साइड यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइन देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको 21 लीटर्स का कुछ बूट स्पेस देखने को मिलता है, एंड साथ ही यहीं पे आपको फ्यूल टैंक मिलता है 5.2 लीटर्स का। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मड फ्लैप पे आपको UBS की ब्रांडिंग मिलती है, साथ ही आपको यहाँ पर एलॉय व्हील्स का सेटअप देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे आपकी डिस्क ब्रेक्स है विद अ कैलिपर ओवर हियर, अ सिंगल कैलिपर, टायर का साइज आपकी स्क्रीन पर है। तब बात करते हैं इसकी सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सीटिंग कंफर्ट मिलता है, एंड अच्छा खासा मुझे थाई सपोर्ट भी मिल रहा है, एंड काफ़ी अच्छा इसके हैंडलिंग पोजिशन है, लाइक राइडिंग के टाइम पर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए क्लैडिंग मिलती है जो कि हाईवे राइड्स पे काफ़ी हेल्पफुल होगी, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपका नी रूम भी यहाँ पे अच्छा खासा मिल रहा है, एंड नीचे आप काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग द स्कूटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा
कि साइड स्टैंड पे आपका इंजन किल ऑटोमेटिकली हो जाता है। तब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी स्कूटी ज़्यादा अच्छी लगी, एंड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप परफॉर्मेंस की साइड पे जाना चाहेंगे या फिर आप फीचर्स एंड कन्वीनियंस की तरफ जाना चाहते हैं। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।